कोयले की कमी के चलते पैदा हुई बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में ठन गई है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा है कि अधिकांश बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी है। बिजली संयंत्रों में केवल 2 से 3 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक बचा है। NTPC ने अपने संयंत्रों के उत्पादन में क्षमता को 50 से 55% तक सीमित कर दिया है। पहले 4000 मेगावाट बिजली मिलती थी, लेकिन अब आधी ही बिजली मिल रही है। जैन ने कहा है कि नियम के अनुसार किसी भी पावर प्लांट में 15 दिन से कम स्टॉक नहीं होना चाहिए। अभी ज्यादातर प्लांट में सिर्फ 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है। NTPC के सारे प्लांट 50 से 55% क्षमता पर काम कर रहे हैं। कोयले की बहुत बड़ी समस्या है इस समय, इस पर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को रविवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए जैन ने कहा है कि अगर कोई संकट नहीं है तो फिर पूरे देश के राज्य मंत्री क्यों PM मोदी को पत्र लिख रहे हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।